खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे खूंटे से बंधी है हवा में लेके छोड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू। गुड मॉर्निंग गाइस, एक नया जिंदगी पाके मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया था मेरा, अभी घर में बैठ बैठ के चार दिन से बोर हो गया था, तो भाई आज मुझे लेके जा रहा है आलीशान। बहुत नाम सुना है उसका, देखते हैं मतलब कैसा है वो सिनेमा हॉल, और बोलते हैं कि महाराजा से भी बहुत अच्छा सिनेमा हॉल है वो। आज हम लोग प्लान किए हैं कि दो मूवीज देखेंगे, एक अवतार द वाटर कुछ ऐसा है और एक दूसरा शायद दृश्यम या दमन। शांतिपाड़ा में बलांगीर का बेस्ट चाय मिलता है, तो आपको ये दुकान से जरूर ट्राई करना चाहिए। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, मेरा नया सॉन्ग जीना जीना यहाँ पे पिंग हो रहा है, जाके सुनिए और बताइए कि कैसा लगा आपको। ये रास्ते में हम लोग रुके थोड़ा टिफिन करने के लिए, बहुत ही अच्छा स्टॉल है, बहुत फ्रेश और हाइजीनिक नाश्ता मिल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे खा लिए। सो फाइनली हम लोग अभी आलीशान के अंदर एंटर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त एक्सपीरियंस जाता हुआ। सो गाड़ी तो पार्क हो चुका है, अभी अभी अंदर जाएंगे मूवी देखने। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आलीशान के अंदर और अभी देखते हैं मूवी। चेकिंग हो रहा है, चेकिंग क्या क्या है निकालो। फोन फोन है होता गाड़ी होगा, फोन काट में एक्सीडेंट गाड़ी देता। डिफरेंट मूवीज लगी हुई है, लाइक द पिक्स मूवीज अवतार जो हम लोग देखने आए हैं। ऑल चेकिंग हो गया, अभी हम लोग जाने वाले हैं मूवी देखने, देखते हैं आफ्टर मूवी का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। सो वी गॉट आवर 3D स्पेक्स एंड वी आर अबाउट टू वॉच द मूवी। ऐसे कुड़ी से कौन खोली वे इधर म्यूजिक पे चल रहा, कुछ डाइवर्ट होता ना। ये मैं चश्मा ढापा हूँ 3D क्लास वाला, ऐसा लग रहा है घर ले जाऊंगा। ओके, मूवी देखने आए और पॉपकॉर्न ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए हम लोग पॉपकॉर्न ले रहे हैं, चीज बटर पॉपकॉर्न, बहुत टेस्टी है, मजा आएगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई थोड़ा सा तो बचा देता कि सिंगर के लिए। हर गीत माला का एक आखिरी मन का होता है। अब आते हैं इसके रिव्यू पार्ट पे। जेम्स कैमरॉन जो कि टाइटैनिक के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये मूवी बनाई है। टाइटैनिक के जो सीन्स थे अंडर वाटर के सीन, जब जहाज टूट जाता है, वैसे ही अवतार द वे ऑफ वाटर में दर्शाया गया है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन ये बोलना चाहूँगा आपको कि डेफिनेटली आपको ये वॉच करनी चाहिए, बिकॉज मतलब आफ्टर अ लॉन्ग इंतजार, अराउंड 2009 को शायद ये मूवी आई थी और अभी फिर ये मूवी आई है। एक लेवल सेट होता है ना कि हमें मतलब कि फर्स्ट पार्ट जितना अमेजिंग था सेकंड पार्ट उतना नहीं होगा, बट मूवी देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये उससे भी और बेटर है। 3 घंटे की मूवी आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये मूवी का ऐसे कोई जॉनर नहीं है, आप किसी के साथ भी ये मूवी देख सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स, और लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस जाता हुआ आफ्टर सो लॉन्ग। CGI और VFX का बहुत अमेजिंगली इस्तेमाल किया गया है। वॉच कीजिए थिएटर में, क्योंकि वहाँ का ही एक्सपीरियंस आपको एक माइंड ब्लोइंग अमेजिंग थ्रिल देगा।
मूवी से निकलने बाद हमारे लेफ्ट साइड में हमको एक जुरासिक वॉल टाइप का चीज दिखा, बट ये वो नहीं है, ये फूड कोर्ट है। अब हमें मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड मेहमान। अनएक्सपेक्टेड मेहमान हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अभिलाष और मंगेश दोस्त, मंगेश दोस्त का यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, मंगेश कुमार मेहर, बहुत बड़ा सिंगर है, नामी दर्शन। तो यहाँ पे कुछ खाने टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, रिजॉर्ट या मतलब कुछ खाने वाने टाइप का डाउनटाउन वाउनटाउन रेस्टोरेंट बन रहा है, बहुत सही लग रहा है। एंट्री नहीं ना, ठीक है, खाली इधर बोले था माँ, खाली खाना पीना बोनू जगह बोनू जी, रेस्टोरेंट है ठीक है, पचके नहीं जी पा रहा हूँ, कितने पचके करूँगी हाथ तो बहुत नाम सुना था एक होटल का, तो पास में हम लोग जा रहे हैं उस होटल में खाना खा के फिर हम लोग दमन मूवी देखेंगे। तो हम लोग ने लिया वेज बिरयानी, ओके ओके टाइप्स का, टेस्ट उतना खास नहीं है कि उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन दाल का टेस्ट ठीक है। चलिए अभी दमन का टिकट काट लेते हैं, मात्र 89 रुपीज। टाइम फॉर द सेकेंड मूवी दमन, लेट्स सी। अब आते हैं द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी, द सॉन्ग बुला फकीरो। फिर से पॉपकॉर्न लेने का साहस कर रहे हैं, होपफुल इस बार अच्छे से हम लोग पॉपकॉर्न को खाएं। इमान को सुबह हमें सॉरी रो बोली भाभी बा, तले आदिवासी लोगों माने ही तारो सुते मुसर जानी ने मुकों कर ची कौन ने केवल डॉक्टर हिसाब से मोर कर्तव्य पूरा कर छी न डरि के। वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग जो मुझे बहुत अच्छा लगा, गुटे जगह पढ़ी थी सर, तो भलो डॉक्टर थे रोग को ठीक करे, किंतु बड़े महान डॉक्टर रोगी को ठीक करे। मूवी खत्म होने के बाद ऐसा लगा कि दुनिया में कुछ होना हो, इंसानियत का होना बहुत जरूरी है, और एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा दुनिया बनाता है। तो चलिए करते हैं अब दमन मूवी का रिव्यू। दमन, ये एक ट्रू और इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक डॉक्टर की, जिनका नाम है ओमकार होता, आपको पता नहीं होगा शायद, वो हमारे बलांगीर से है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे डॉक्टर होता जाते हैं मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे 151 विलेजेस में मलेरिया फैला होता है, कैसे स्टेप्स लेते हैं, कैसे इनिशिएटिव लेते हैं, कैसे हार्डवर्क करके वो कम से कम टाइम में उन मलेरिया केसेस को कम करते हैं। मूवी में हर चीज़ बहुत रियलिस्टिक है, एंड द इमोशनल पार्ट ये है कि मतलब कोई साधन ना होने के बाद भी वो एक प्रेग्नेंट लेडी को बचाते हैं, उस लेडी को और उनके बच्चे को एक नया जीवन दान देते हैं। बहुत ही अमेजिंग पिक्चर है, लाइफ में ऐसी पिक्चर जरूर देखनी चाहिए, बहुत चीज़ सीखने को मिलता है, और मुझे मूवी में कोई कमी नहीं लगी। सो मेरे तरफ से ये बेस्ट मूवी है 2023 का। सो प्लीज जाइए और देखिए दमन इन थिएटर। अपनी अपनी लाचारियां अब हंसते हंसते तुम पे ले खुशियां वारियां।